हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो मैं फिर से आ गई हूँ रिक्वेस्टेड चैलेंजेस वीडियो लेके गाइस। तो यहाँ पर आप सबको जैसे पता ही है कि मैंने क्लोथ वॉशिंग का वीडियो डाला है, एक नहीं मैं शायद सेकंड पार्ट डाला था। पहले भी उससे एक पार्ट डाल चुकी हूँ तो वो भी बहुत अच्छा गया था, आप लोगों को पसंद आया था। फिर मैंने सेकंड डाला तो उसको तो आप लोगों ने और भी ज्यादा पसंद किया। तो फिर से मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम एक साड़ी वॉशिंग वीडियो बनाइए प्लीज। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बना दूं और प्लीज। तो मैंने ये मेरे पास आज की मैंने दो साड़ी यूज की थी अभी, तो ये रखी हुई थी धुलने के लिए। तो मैंने कहा चलो इसी को लेके मैं साड़ी वॉशिंग वीडियो आपको बना देती हूँ। मेरे पास ये दो तीन साड़ियाँ थी धुलने के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को भी पिछली बार की वीडियो की तरह सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा। जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्लीज स्किप ना करें बिल्कुल भी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने के लिए और समझ सकते हो आप। और आप लोग साथ सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारी मेहनत सफल कैसे होगी ही? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके बने रहिएगा लास्ट तक। वैसे ही हमेशा की तरह थोड़ा सा बस आप सर्फ डाल लो इसमें। तो मैंने यह सर्फ डाल लिया है जैसे कि आपको पता है सभी को। तो यहाँ मैंने सब में साड़ियाँ गला दी गई, सब इनको मैं 5-10-15 मिनट तक गली रहने दूंगी। उसके बाद फिर मैं इनको वॉश करने के लिए आऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद, ठीक है? तो यहाँ मेरी साड़ियाँ गल चुकी थी, 15 मिनट हो गए थे गाइस। उस टाइम मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, कोई फायदा नहीं था फिर जलाने से। धुल लेते हैं। हमारे यहाँ से सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं गाइस। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है कमेंट में बताइएगा मुझे। और सर्दियों में पानी का काम करना, काम तो कोई भी अच्छा नहीं लगता सर्दियों में करना, पर पानी का काम करना, ऐसे कपड़े धुलाई ये सब तो बहुत ही दिक्कत लगती है। मेरे को तो बहुत लगती है यार सच में। और हमारे यहाँ सर्दियाँ भी काफी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है हमारे यहाँ। और सर्दियों में कपड़े भी कितने निकलते हैं ना, स्वेटर जैकेट ऊपर से फिर नॉर्मल कपड़े जो पहनते हैं सब।
मिल चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कपड़े अपने हमेशा कपड़े धुलने के बाद अपने कपड़ों में कम्फर्ट यूज करती हूँ। खासकर बारिशों के सीजन में तो जरूर यूज करती हूँ और ऐसे नॉर्मली भी करती हूँ, पर जैसे नॉर्मल कभी छोड़ देती हूँ, पर बारिशों में तो हमेशा करना चाहिए कि इससे ना स्मेल नहीं आती कपड़ों में, मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो बस एक बाल्टी पानी ले लें अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग, आपके कपड़े के हिसाब से, और उसमें बस ये आधा ढक्कन या एक ढक्कन डालें। थोड़ी देर से ज़्यादा कपड़े में तो आधा ढक्कन डालूंगी। और इन अभी मैं अपने कपड़ों को यही धुला लूंगी क्योंकि इनका पानी जितना है झड़ जाए, क्योंकि गाइस आपको पता है मैं रेंट के घर में हूँ, तो रेंट के घर में ऐसे छत पे जाने को मना नहीं किया अंडी, पर बहुत ऊपर है सेकंड फ्लोर पे, इतना कौन ऊपर जाए फिर लेकर आए। चल जब ज़्यादा कपड़े होते ना, चलिए अपनी बाकी के यहीं पर मैंने मतलब ये बांध रखी तो यहीं डाल दी, तो तब तक पानी झड़ जाएगा, तब तक यहीं नहीं, पानी जब इनका सारा निकल जाएगा उसके बाद फिर मैं यहाँ सुखा दूँगी। मेरे कपड़े हो गई क्लोथ साड़ी वॉशिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे चैलेंजेस मुझे बताते रहिएगा और अपना साफ सफर अच्छी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय, लव करो।